आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 19, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसे कहते हैं जो कि वेस्ट होता है। ओके, एलिमिनेशन का मतलब होता है हटाना। जिस प्रोडक्ट को बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, जो प्रोडक्ट ना या चीज़ बॉडी में एक्स्ट्रा होती है, वो बॉडी खुद ही उसे बाहर निकाल देती है। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 ही 5 टॉपिक है, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, इसमें है एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन, जैसे कि हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। ठीक है, आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय अदर मीन लाइक एक्सेसिस इनडाइजेशन, दिस सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। ऐसे कुछ सब्सटेंस है जो बॉडी से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो पूरा ही पूरा निकल जाएंगे टोटली, या फिर कुछ अमाउंट में, जिसको पार्शियली कहते हैं। ठीक है, आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि मैकेनिज्म कैसे होता है एलिमिनेशन का, किस सब्सटेंस का होता है और कैसे स्पेशल एम्फेसिस होता है, कॉमन नाइट्रोजन बेस्ड अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कौन से मेजर फॉर्म होते हैं नाइट्रोजिनस के वेस्ट के एक्सक्रीट बाय द एनिमल अमोनिया, द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इट्स एलिमिनेशन, वेयर एज यूरिक एसिड बींग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। अब ऐसे जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, लीस्ट टॉक्सिक इसीलिए जो कम है, ठीक है, कि आप कम टॉक्सिक है मतलब कि कम खराब है, वो बॉडी से भी निकाल दिए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मिनिमम वाटर का लॉस होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया जाएगा द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोलिटेलिज्म। मैनी बॉडी जो होता है बॉनी फिश के, एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट आर जैसे कि अमोनिया एज इट इज ऑलरेडी सॉल्युबल इन जनरली। अच्छा, आपको ये समझाना था, मैनी बोनी फिश जो होते हैं एक्वाटिक एम्फीबियंस एंड एक्वाटिक इंसेक्ट, इंसेक्ट वो होते हैं जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, उन सबको अमेनोटेलिक कहते हैं, जो कि नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अमोनिया एज इट इज़ ऑलरेडी सॉल्युबल इज जनरली एक्सक्रीटेड डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सर्फेस थ्रू आउट गिल सर्फेस इन फिश एज अमोनिया आयन, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल। इस चैप्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन होगी या टॉपिक मैं आपको बताती जाऊँगी, आप अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, जो किडनी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो क्या करती है, किडनी डू नॉट प्ले, इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले नहीं करती है, सिग्निफिकेंट रोल है रिमूवल के, जैसे कि टेरेस्टीरियल है, अडेप्टेशन है, नेस्टिटेड है, द प्रोडक्शन और लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजीनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। मैमल्स मैनी टेरेस्टीरियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिश मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड, इसको अंडरलाइन करो, एम्फीबियंस एंड मेराइन फिश एंड मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरोटेलिक एनिमल्स। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को क्या करते हैं, अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फिशिश हो गए, मेराइन हो गए, एम्फीबियंस हो गए, तो हम ऐसे को क्या बोलते हैं, यूरोटेलिक बोलते हैं, यूरोटेलिक एनिमल। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इंटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज इंटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटर्न इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ द सम ऑफ दिस एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर ऑस्मोलेटरी। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ अमाउंट के यूरिया होते हैं, ठीक है, मे बी रिटर्न इन द किडनी मैट्रिक्स, और कुछ हो जाए, कुछ जो होते हैं आपकी किडनी में वापस आ जाते हैं। सम ऑफ दिस एनिमल, इसमें से कुछ ऐसी एनिमल है जो मेंटेन करते हैं डिजायर ऑस्मोलेटरी को, जैसे कि हो गए आपके रेप्टाइल, बर्ड एंड स्नेल। ठीक है, इंसेक्ट हो गए एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेल्ट और पेस्ट कह सकते हो आप उसे, विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, या कम अमाउंट में अपने बॉडी से वाटर को लॉस करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम यूरिकोलाइटिक। आपने यहाँ पे 2-3 यूरी, जैसे कि आपने इसमें पढ़ा सबसे पहले अमोनोटेलिक,
जो फर्स्ट वाला था जो कि एक्वाटिक इंसेक्ट और जितने भी थे जिसमें प्रोसेस हो रहा था अमोनिया का, अमोनिज्म में भी, जैसे कि बोनीफिश का एग्जांपल दिया था। सेकंड आपने पढ़ा यूरियटेलिक, इस वाले में जो एम्फीबियंस मैराइन फिश और मेनली एक्सक्रीट करते थे यूरिया, उसको आपने यूरियटेलिक कहा। थर्ड है आपका यूरिकोटेलिक, जिसमें जो आपके रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल्स हैं, वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को, जिसको पेल्ट और पेस्ट कहा जाता है, और ये अपने बॉडी से वाटर का बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाले टॉपिक में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम सर्वे के हिसाब से देखें, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट। दिस स्ट्रक्चर आर सिंपलेस्ट ट्यूबुलर फॉर्म वेयर द वर्टिब्रेट हैव अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबर। कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें होगी, ऑर्गन कॉल्ड किडनी, जिसको हम किडनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मेंटेन देयर प्रोटीनोफेराइडिया। उसको क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ कुछ ही स्ट्रक्चर होते हैं जो मेंशन करते हैं, प्रोटीनोफेराइडिया और अ फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लैंटी हेलमिंथेसिस। प्लैंटी हेलमिंथेसिस का एग्जाम्पल होता है आपका फ्लैट वर्म, ठीक है, जिसको हम प्लानेरिया भी बोलते हैं, रोटिफायर, सम एनेलिडा एंड सेट, इनको आप अंडरलाइन कर लो। सम क्या होते हैं, एनेलिडा होते हैं, एंड द सेप्लोकॉर्डेटा। सेप्लोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, एम्फियोक्सिस, प्रोटो नेफ्रीडिया। यह आपका एग्जाम्पल था, आर प्राइमली कंसर्न विद द आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम था, जो कि वॉल्यूम रेगुलेशन करता था, ऑस्मो रेगुलेशन, नेफ्रीडिया एंड द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम स्ट्रक्चर था। अर्थवर्म एंड अदर एनिलीडा, नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजीनस वेस्ट एंड द मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। मालपेजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट including cockroach. Malpighian tubules help in the removal of the nitrogen waste and the osmoregulation karte hain. An internal gland, a green gland of worm, the excretory function of the aapke kis cheez ke karte hain, crustaceans ke, like a prawns. theek hai, ab dobara main is wale ko batati hu इसी टॉपिक को। तो आपको क्या बोला गया है, अगर हम सर्वे में देखें, ठीक है, एक ही टाइप में जब सर्वे करते हैं बहुत सारे एनिमल को लेकर, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, पूरे एनिमल किंगडम का हम सर्वे करेंगे, तो उसमें हम पाएंगे बहुत सारे वैरायटी होते हैं, किस चीज़ के, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के वैरायटी होते हैं, इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट, जो कि बहुत सारे इनवर्टिब्रेट वाले होते हैं। दिस स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होते हैं, बहुत ही सिंपल, वेयर एज द वर्टिब्रेट हैव अ कॉम्प्लेक्स। और दूसरी साइड हम देखें तो हमें कॉम्प्लेक्स से मिल जाते हैं ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी, जिसको हम किडनी कहते हैं। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर जो मेंशन होते हैं यहाँ पर आपके किडनी में, प्रोटोन नेफ्रीडिया जो था वो फ्लेम सेल्स था, जो कि इस जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है प्लैंटी हेलमिंथेसिस का। एग्जांपल है आपके फ्लैट वर्म्स एंड प्लैनेरिया, रोटिफेरा, और आपके एग्जांपल है एनेलिडा, और एग्जांपल है आपके सेप्लोकॉर्डेटा। सेप्लोकॉर्डेटा का आपने एग्जांपल पढ़ा था, एम्फिक्सियस, प्रोटो नेफ्रेडिया था, जो कि प्राइमरी कंसर्न था विद आयोनिक फ्लूइड के साथ, जो कि वॉल्यूम रेगुलेशन करता था, ऑस्मो रेगुलेशन करता था, नेफ्रेडिया करता था, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स एंड द अदर एनिलीड्स। नेफ्रेडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजीनस वेस्ट एंड द मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। मालपेजियन ट्यूबुलर आर अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस इंसेक्ट। जो आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ना बहुत सारे मालपेजियन ट्यूबुल्स के, उसके एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हो, कॉकरोच लिख सकते हो। मालपेजियन ट्यूबुल्स के हेल्प से ये रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस गैस को। एक्सक्रीटरी फंक्शन इसके क्रस्टेंस होते हैं, जैसे कि प्रॉन्स में होते हैं। ठीक है, तो आते हैं हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन ह्यूमन द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी। ह्यूमन में एक पेयर किडनी होती है, यानी कि टू, टू को हम वन पेयर बोलते हैं, एक लेफ्ट होता है एक राइट साइड होता है। ठीक है, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। ठीक है, पूरे डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे
तो सबसे पहले एक एड्रेनल ग्लैंड है, रेनाल आर्टरी है, रेनाल वेन है, और ये आपकी किडनी है। किडनी आपके दोनों साइड मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अंदर की स्ट्रक्चर बताया, यहाँ पे प्रॉपर एक ही साइड का बताया है। फिर आपके डॉर्सल अरोटा आते हैं, यूरेट्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। जो आपके ब्लू कलर से दिखाया है वो इन्फीरियर वेना कावा है, जो किडनी के अंदर आपको ही बहुत इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यू शेप का, वो है आपके पेल्विस। फिर आता है आपके किडनी के अंदर ही है मेडुला। फिर आता है आपका आउटर साइड, जो कि जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है। किडनी आर रेडिश ब्राउन, रियल में जब आप किडनी को देखोगे तो रेडिश ब्राउन है, एक बीन शेप की तरह। बीन शेप कुछ इस तरह के होते हैं, ऐसे आपके किडनी दिखाई देते हैं। ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लीव्स ऑफ अ लिस्ट थोरेसिक एंड थर्ड लैम्बर वर्टेब्रा क्लोज द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और ये आपके एब्डोमिनल कैविटी के नियर होता है, जो वर्टिब्रेटा को क्लोज करता है डॉर्सल इनर वॉल के पास, जो कि आपका जो अडल्ट ह्यूमन होता है 10 से 20 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होती है, और 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है इसकी, विद एवरेज वेट 120 to 170 ग्राम होती है। ये आपका एवरेज वेट है, इससे कम भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज वेट क्या बता रहा है कि जो आपकी ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन की जो किडनी है उसकी जो लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 5 to 7 है, और जो उसकी थिकनेस है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर, उसका जो वेट है 120 से 170 ग्राम तक हो सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, पर ये ऑन एवरेज है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सर्फेस ऑफ द किडनी इज नॉट कॉल्ड हीलियम, थ्रू विच यूरेट्रा ब्लड वेसल्स एंड नर्व आइदर इनर टू द हीलियम। अब यहाँ पे आपको बताया जाता है इसके बाद कि जो इनर कनकेव सर्फेस है ना किडनी की, उसको कहते हैं नॉट, ठीक है, नॉट NOTCH कॉल्ड हीलियम, थ्रू द विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेंट नर्व जिसमें एंटर होता है। इनर ऑफ द हीलियम इज ब्रॉड फ्यूनल शेप्ड का होता है। जब आप इसको देखोगे तो आपको वो फ्यूनल शेप का ही दिखेगा, इनर हीलियम के पेस्ट ऑन द फ्यूनल शेप कॉल्ड द रेनाल पेल्विस। यहाँ पर आप छोटा सा डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, विद अ प्रोजेक्शन कॉल्ड अ क्लेसिस। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन। किडनी के अंदर देखोगे तो आपको दो जोन दिखेंगे, एक होता है आपका आउटर कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेडुला। आउट का मतलब है बाहर की तरफ होता है, इनर का मतलब है अंदर की तरफ होता है। अंदर होता है आपका मेड्यूला, जो कि आपको लाइनों लाइनों से दिखाया गया है, जो बाहर के साइड उसके बॉडी पे दिखाया गया है वो होता है आपका मेड्यूला। द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस। फ्यू क्यों बोला गया है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे लाइनों में दिखाया गया, पार्टिकल में नहीं, उसके प्रोजेक्शन छोटे छोटे हैं, इसीलिए मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टेड इनटू अ क्लेक्स। साइन होता है आपका क्लेक्स। द कॉर्टेक्स इंसेक्टेड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स की तरफ होता है। उसके बाद आपको बताया जाता है मेडुलरी पिरामिड जो है एक रेनाल कॉलम कॉल्ड, उसको बोलते हैं कॉलम और ब्रेटीन। यहाँ पे एक छोटा सा है जो रेनाल कॉलम का स्ट्रक्चर डायग्राम में बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ पे लाइने लाइने खत्म होते हैं, छोटा छोटा स्पेस है ना, जो ये वाला पार्ट है, और इधर इधर ये सारे आपके क्या है, ये है आपके रेनाल कॉलम। ये जो खाली स्पेस है ये है आपका कॉर्टस कॉर्टेक्स, और ये जो आपकी पतली सी लाइन दिखाई जाती है ये होता है आपका रेनाल कैप्सूल। मेडुलरी पिरामिड इस वाली लाइन को कहा जाता है, जो कि आपने पिछले डायग्राम में देखा। फिर आता है आपका जहाँ से जॉइंट होता है उसको बोलते हैं क्लैक्स। जो ब्लू ग्रीन कलर से दिखाया गया है वो है आपके रेनाल आर्टरी। जो ब्लू ब्लू कलर से है रेनाल वेन। आपकी पतली सी लाइन यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाई जा रही है वो होता है आपके रेनाल पेल्विस, और ये होता है यूरेटर। ये डायग्रामेटिक है किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का। ठीक है,
मेडुलरी पिरामिड यानी कि इसकी बात कर रहा है वो, क्या होते हैं, और रेनाल कॉलम, ये रेनाल कॉलम के पास होते हैं जिसको हम कॉलम ऑफ ब्रिटिनी भी कहते हैं। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, एक किडनी के पास अप्रॉक्स 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है, विच आर द फंक्शन, जो कि फंक्शनल यूनियन होता है। ईच नेफ्रॉन हैज़ अ टू पार्ट, दोनों के पास कितने होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है गोलुमिनार एंड दूसरा होता है रेनाल ट्यूबुलर। गोलुमिनार्स इज अ टफ कैपिलरी होता है जो फॉर्म करता है किस चीज़ को, अफेक्टेड को, आर्ट्रियोलर को जो फाइन करता है ब्रांच, और रेनाल आर्टरी को। ब्लड ऑफ द गोलुमिनार इज अ कैरी अवे फ्रॉम एफिशेंट आर्ट्रियोल। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस चीज़ को होते हैं, ये 1 मिलियन दोनों के पास कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर होते हैं विच आर जो फंक्शनल यूनिट होता है ईच नेफ्रॉन के पास। आपको नेफ्रॉन का डायग्राम भी दिया जाएगा या बना के भी आप इसमें देख सकती हो। ईच नेफ्रॉन के पास टू पार्ट के होते हैं जो कि गोलुमिनार होता है, रेनाल ट्यूब्यूलर होता है, गोलुमिस होता है, टफ होता है, कैपिलरी फॉर्म्ड बाय अ एफरेंट आरियोटल फाइन ब्रांच ऑफ रेनाल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम गोलुमिनरस इज कैरी अवे बाय एन एफरेंट एरिट्रोल द रेनाल ट्यूब्यूल्स बींग विद द डबल वर्ल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। जो आपके रेनाल ट्यूब्यूल होते हैं ना वो कैसे होता है, डबल वर्ल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि बंद होता है गोलुमुलस गोलुमुलस से। गोलुमुलस कैसे होते हैं आपके, जो डबल कप को आप रखोगे ना तो उस शेप में आपको दिखेगा गोलुमुलस अलोंग विद अ बाउमेन कैप्सूल। जो गोलुमिनार्स होता है अलोंग विद बाउमेन कैप्सूल इज कॉल्ड द मालपेजियन, और उसको मालपेजियन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, बॉडी ऑफ द रेनाल क्रप्सूल्स द टेब्यूल ऑफ कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, और इसके बहुत ही हाईली कॉइल्ड नेटवर्क होते हैं, मतलब कॉइल कॉइल जलेबी जैसे बने होते हैं, प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहाँ पर देखो डायग्राम में आपको दिख जाएगा नीचे कि कैसे कॉइल्ड होते हैं। यहाँ पे बोला है एफरेंट एफरेंट आर्टियोलर है, ये आपके गोलुमिनार्स है जो कि क्या है, हाईली कॉइल्ड है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है। एफरेंट आर्टरी है, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो ग्रीन कलर से दिखाया है वो क्या है, आपके प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, जो लाइट ग्रीन से दिखाए जा रहे हैं वो है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर आता है आपका जो लाइट ग्रीन से, वो है आपके ब्राउन कैप्सूल, अभी आपने ऊपर पढ़ा, मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। फिर है लाइट ग्रीन कलर के नीचे की तरफ जो स्टैंडिंग लाइन आ रहा है, एक बेलन शेप में कह सकते हो आप उसे, ये होता है आपका डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेलन का, इसको हेलेंस लूप भी बोलते हैं ये जो वाला है, ठीक है। और आपकी ऐसे देखो क्योंकि लूप के तरह बनाना है यू ऐसे, ठीक है, जब यू शेप में आप कैसे ऐसे डायग्राम बनाओगे ना तो यू शेप में बना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको हेलन लूप बोलते हैं, असेंडिंग लिम ऑफ द लूप हेलन, इसको बोलते हैं हम वासा रिएक्टा, जो कि आपके नीचे के साइड होता है कलेक्टिंग डक्ट, ये जो लाइट ग्रीन कलर से आपको डायग्राम में बताया गया है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है नेफ्रॉन की, जो कि ब्लड वेसल्स को दिखा रहा है, डक्ट ट्यूब्यूल्स को। तो यहाँ पर अभी आपने जो पढ़ा कि जितने भी हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, जो कि फंक्शनल यूनिट है, नेफ्रॉन के पास क्या है, गोलुमिनल्स है, ये है आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, उन्होंने कहा है, मतलब कि जो नेफ्रॉन है उसके पास होता है गोलुमिनल्स, ये रहा आपका गोलुमिनल्स एंड द रेनल ट्यूब्यूल्स, और इसके पास होता है रेनल ट्यूब्यूल्स। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि रेनल जो गोलुमिनल्स है ना वो क्या करता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी ऑफ द फॉर्म्ड बाय, किससे ये फॉर्म्ड होता है, बाय अ एफरेंट एरिट्रियोल। यहाँ पे देखो एफरेंट एट्रियोल है, जो एफरेंट एट्रियोल है इससे ये फॉर्म होता है आपका गोलुमिनल। यहाँ पे देखो हल्का सा ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर से दिखाया है, यहाँ से फॉर्म होना शुरू होता है कॉइल्ड कॉइल बन के, फिर यहाँ से ये बनना शुरू होता है। तो ये किससे बनता है, गोलुमिनल एफरेंट एट्रियोल से बनता है आपका गोलुमिनस। इतना आपको समझ में आ गया। अ फाइन ब्रांच, फाइन का मतलब होता है बहुत ही पतला, पतला ब्रांच होता है रेनाल आर्टरी का। ओके,
ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द एफरेंट आर्टरियोलर, जो ब्लड कैरी करता है ना वो एफरेंट एरियोट्रोलर से ही करता है, एट्रियोल से, यहाँ से ब्लड को ले जाता है और पूरे बॉडी पार्ट में पहुँचाता है। दे द रेनाल टिब्यूल्स बींग विद द डबल वॉल्ड कप, एक ये वाले कप और ये दूसरे वाले कप, इसीलिए इसको डबल कप बोला गया है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये किसे कैसे होते हैं, ब्राउन कैप्सूल होते हैं, जब आप इसको रियल में देखोगे तो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं, जो कि इनक्लोज होते हैं, मतलब कि बंद होते हैं। यहाँ पे देखो ये नीचे से बंद है, कहीं से भी टूटा फूटा नहीं है। ये ग्लोमेरुलस बंद हो गया, ग्लोमेरुलस अलोंग विद ब्राउन कैप्सूल, ब्राउन कैप्सूल से बंद है, इसको बोलते हैं मालपिजियन। ओके, बॉडी और रेनाल कॉर्पसूल्स जो होता है द ट्यूबुलर्स कंटिन्यू करता है फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, और यही कंटिन्यू होता है पूरा हाईली फॉर्म नेटवर्क करने के लिए, जिसको हम प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पर। पहले आप डायग्राम समझ लो, क्योंकि यही नाम आएंगे आपके, जो आपने इस पेज पर पढ़ा था। यहाँ पे देखो एफरेंट आर्ट्रियोल पढ़ा था, अब इस वाले इतने ही पार्ट को मैं हम उठाएंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट उठाया, सेम टू सेम डायग्राम बना दिया, तो यहाँ पे आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये एफरेंट एट्रियोल है। ये जो लास्ट में आपने ग्रीन कलर की जो लाइनें जा रही थी, जो कि एफरेंट एट्रियोल का ही पार्ट था, उसको हमने क्या कहा था, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, फिर है आपका ब्राउन कैप्सूल, ये पूरा प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो फर्दर हाईली कॉइल्ड होता है, यहाँ पर हाईली कॉइल्ड था, लास्ट में हमने इसको क्या बोला था, प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इस नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और इस पूरे डायग्राम सिर्फ इतने को क्या बोलते हैं, मालपिजियन बोलते हैं, बॉर्डर रेनाल कैप्सूल कैप्सूल्स, ठीक है, PCT। प्रोमिक्सल, पी का मतलब है प्रोमिक्सल, सी का मतलब है कॉन्वोलेटेड, टी का मतलब है ट्यूब्यूल। हेयर पिन शेप्ड, हेयर पिन देखा जो यू शेप का होता है, जो जूड़े में लगाते हैं, उस शेप का होता है। हेयर एग्जाम्पल के लिए हमें हेयर पिन शेप का बताया गया है, हेलेंस लूप, इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब, डिसेंडिंग नीचे की तरफ, असेंडिंग ऊपर की तरफ, ठीक है। द असेंडिंग लिंब कंटिन्यू टू अनदर हाईली कॉइल ट्यूब्यूलर रीजन कॉल्ड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको DCT शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। इतना समझ आया, सारे लाइन को आराम से अंडरलाइन करते जाना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके नीट में पूछ सकते हैं, या फिर आप 11th के लिए पढ़ रहे हो तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नीट में आपको पता है ना, लाइनों लाइन 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 से भी क्वेश्चन बनता है आपके NCERT से, तो सभी लाइन को ध्यान से देखते रहना, और जो ऑलरेडी हाईलाइट है वो तो आपको याद रहेगा, जो हाईलाइट नहीं है उसको मैं करते जाऊंगी, आप भी साथ साथ करते जाना, ओके। और ये 2024 के जो करंट टॉपिक है उसी से है, जो टॉपिक नहीं आएगा वो ऑलरेडी मैंने इसमें रेड पेन से क्रॉस कर रखे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक तो है ही हैं, चलो शुरू करते हैं। जो आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, जिसको हम DCT के नाम से भी जानते हैं, अगर आपके ऑप्शन में DCT आ जाए, इसीलिए आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लेना है, D4 डिस्टल, C4 कॉन्वोल्यूटेड, T4 ट्यूब्यूल, ठीक है। अब आपको इसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो आपके DTC ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू ए स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कॉल कलेक्टिंग डक्ट, जो आपके कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होते हैं ना, वो बहुत सारी जगह से स्ट्रेट ओपन होते हैं, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड द ओपन इनटू अ रेनाल पेल्विस थ्रू अ मेडुलरी पिरामिड इन द क्लाइसिस, द मालपिजियन कॉर्पुलस PCT एंड DCT। आपका PCT था प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और आपका DCT है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। जहाँ जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आएगा वहाँ पर मैं फुल फॉर्म पे बोलते जाऊँगी, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो मालपेजियन कॉर्पुलस है, PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल जो होता है रीजन ऑफ द किडनी, वेयर द लूप ऑफ हेलन डीप्स इनटू द मेडुला। इन द मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेलन इज टू शॉर्ट,
जहाँ पर लूप ऑफ एलन बहुत ही छोटा होता है, जो कि एक्सटेंड करता है बहुत ही वेरी लिटिल, बहुत कम मेडुला के अंदर, सच एज नेफ्रॉन आर कॉल्ड अ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इन द सम ऑफ अ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ एलन इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इन टू अ मेडुला, दिस नेफ्रॉन आर कॉल्ड जक्सिस मेडुलरी नेफ्रॉन। द एफरेंट आर्टियोल इमर्ज फ्रॉम द गोलमुलर्स फ्रॉम अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रेनाल टेब्यूल कॉल्ड द पेरिटिब्यूलर, उसको हम पेरिटेब्यूलर के नाम से जानते हैं। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगी ताकि कुछ छूट ना जाए आपसे। उसको हम क्या बोलते हैं ट्यूबुलर कॉल्ड पेरिटिब्यूलर के नाम से जानते हैं, जो कि कैपिलरी होता है। अ मिनट ऑफ वेसल्स ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेलन लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड, जिसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। आपको मैंने हाथ से ऐसे यू बनाकर दिखाया था ना, तो यही होता है यू शेप, ठीक है। वासा रेक्टा अबाउट और हाईली रिड्यूस, ये आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो दोबारा यहाँ से आपको हेलन, अब आप दोबारा समझोगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आपने हेलन लूप के बारे में समझ लिया कि बहुत ही हाईली कॉइल्ड होते हैं, और वो क्या होता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूलर के, विच हैज अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिंब होता है उसके पास, ओके। डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ, असेंडिंग का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, डिसेंडिंग घटना, असेंडिंग बढ़ना, ओके। द लिंब असेंडिंग, द असेंडिंग लिंब कंटिन्यू टू अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो शॉर्ट फॉर्म है और लॉन्ग फॉर्म में दोनों याद करना है। DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक दूसरा वर्ड आएगा आपका PCT, PCT का मतलब होता है प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। आपको दोनों पता होना चाहिए। ये जो आपका मालपेजियन का डायग्राम है, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या डायग्राम ही आ जाएगा। ये नेफ्रॉन में सिचुएटेड होते हैं, जो कि कॉर्टिकल होते हैं रीजन में। किडनी वेयर द लूप ऑफ हेलन इज डिप्स इनटू द मेडुला, ओके। जो हेलन लूप से डिप्स होते हैं मेडुला के अंदर इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन। लूप ऑफ हेलन इज शॉर्ट, जो लूप ऑफ हेलन होता है ना बहुत ही छोटा होता है, और ये एक्सटेंडेड होता है ओनली वेरी लिटिल इनटू अ मेडुला, वेरी लिटिल बहुत छोटा होता है मेडुला के अंदर। इनटू का मतलब होता है अंदर की तरफ, सच एज नेफ्रॉन आर कॉल्ड अ क्रॉटिकल नेफ्रॉन, इसीलिए हम इसको कभी कभी क्रॉटिकल नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेलन इज अ वेरी लॉन्ग, लूप ऑफ हेलन तो आपका बहुत ही लॉन्ग होता है। द रन डीप इनटू द मेडुला, जो रन करता है मेडुला के अंदर नेफ्रॉन कॉल्ड अ जक्सा मेडुलरी, इस पर एक बार क्वेश्चन आया था, तो आप इस नाम को याद रखना कि जो आपका नेफ्रॉन होता है ना उसको हम जक्सटा मेडुलरी नेफ्रॉन भी कहते हैं। द एफरेंट एट्रियोलर जो होता है एमर्जिंग होता है फ्रॉम द गोलमुलर्स फ्रॉम द फाइन कैपिलरी, पतले कैपिलरी से नेटवर्क अराउंड द रेनाल टिब्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी बोलते हैं। अ मिनट वेसल ऑफ द नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेलन्स लूप फॉर्मिंग यू शेप्ड वासा रेक्टा। आपको मैंने इस डायग्राम में समझाया था कि यू शेप्ड होते हैं, हेलिकर्व होते हैं, डबल कप स्ट्रक्चर होते हैं, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं वासा रेक्टा, ओके। जो कि क्या होते हैं हाईली रिड्यूस द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये बहुत ही रिड्यूस करते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन को, ओके। कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपका एक इस वाले टॉपिक में भी आया था कि उसको इस नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। ये वाला आपका समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है कि यूरिन जो होता है यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। तो यूरिन फॉर्मेशन आपको मैं एक ही बार में बहुत डिटेल में बताते जाऊंगी, इसको दोबारा नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आप अपने रेगुलर लाइफ से कनेक्ट करके इसको समझ पाओगे, ओके। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है इन्वॉल्व करता है 3 मेन प्रोसेस को। सबसे पहला उसमें होता है गोलमुलर, ओके, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्या क्या हो गया आपका, गोलमुलर जो कि फिल्ट्रेशन करता है, रीअब्सॉर्प्शन करता है एंड सिक्रेशन करता है। दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, जो कि आपके नेफ्रॉन में अलग अलग पार्ट में होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड,
जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, विच कैरी आउट द गोलमिलार एंड कॉल्ड अ गोलमिलार फिल्ट्रेशन। इस वाले स्टेप में क्या करते हैं, गोलमिलार में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है जिसको हम गोलमिलार फिल्ट्रेशन कहते हैं। ऑन एवरेज 1100 टू 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में 1100 से लेकर 1200 ml तक ब्लड फिल्टर होता है। कहाँ पर, हमारे बॉडी के अंदर। अप्रॉक्स 1 लीटर से 1 लीटर ज़्यादा पर मिनट, ठीक है। कितना आ गया, 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 ml, यहाँ पे हैं 1100, मतलब 100 ml ज़्यादा। ओके, तो 1 लीटर से ज़्यादा होता है पर मिनट, इतना समझ में आ गया आपको। ऑफ अ ब्लड फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट, 1 मिनट के अंदर अंदर का ये प्रोसेस होता है। विच कंटिन्यू रेगुलरली, और ये 1/5 रेगुलरली कंटिन्यू होता रहता है, रोज का काम है। ऑफ द ब्लड पम्प आउट ईच वेंट्रिकल्स, और हमारे पूरे बॉडी में जहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, पूरे बॉडी में आपको पंप होता हुआ दिखाई देगा। वेंट्रल ऑफ द हार्ट इज अ मिनट, द गोलमिलार कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉज फिल्ट्रेशन। तो आपका जो गोलमिलार कैपिलरी है ना, वो ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कॉज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर, दैट इज द एंडोथेलियम ऑफ अ गोलमिलार ब्लड वेसल्स, द एपिथेलियम ऑफ अ ब्राउन कैप्सूल्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिटवीन दिस 2 लेयर द एपिथेलियल सेल्स जो होता है, बोमेंस कैप्सूल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉडी साइट्स के नाम से जानते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लो। जो एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमिन कैप्सूल हैं उसको हम बॉडी साइट्स कहते हैं, जो कि अरेंज होता है इंट्रिक्रेट मैनर में। ओके, सो लीव सम मिनट स्पेस कॉल्ड अ फिल्ट्रेशन स्लाइट और स्लाइट पोर्स, ब्लड इज फिल्टर सो फाइनली, जो ब्लड है बहुत ही आराम से क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। सम मिनट स्पेस कॉल्ड मेम्ब्रेनस दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन पास इन टू द ल्यूमिन ऑफ द बाउमेन कैप्सूल, देयर फॉर इट इज द कंसिडर एज द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो बाउमेन कैप्सूल है ना, पास करता है बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए हम इसको एक प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। इस वाले टॉपिक में 2 चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे पहला तो ये है कि जो आपका एपिथेलियल सेल्स है, जो बाउमेन कैप्सूल है, उसको हम पॉड साइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये अरेंज करते हैं किस चीज़ को, क्रिटिकेट मैनर सो लीव द सम मिनट स्पेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन, जो कि स्लाइट होता है और स्लाइट पोर भी हो सकता है। ब्लड इज फिल्टर करता फाइनली पतले पतले इसमें मेम्ब्रेन में, दैट ऑलमोस्ट द कंस्टिट्यूट द प्लाज्मा, कंस्टिट्यूट करता है प्लाज्मा को भी, एक्सेप्ट प्रोटीन, पर वो प्रोटीन को नहीं करता पास आउट इनटू द ल्यूमिन ऑफ अ ब्राउन कैप्सूल, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज अ प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिकेशन। प्लाज्मा को तो करता है पर ये प्रोटीन को नहीं करता है, इसीलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑलमोस्ट, पूरे बॉडी में द ऑलमोस्ट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड गोलमिनार फिल्ट्रेशन रेट, GFR पे क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट फॉर्म में ही मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, व्हाट इज GFR या GFR का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपको पूछ दिया जाए द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म किडनी पर मिनट, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको GFR मिल जाएगा या फुल फॉर्म भी गोलमिनार फिल्ट्रेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। जो GFR है वो हेल्दी इंडिविजुअल है अप्रॉक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, पूरे दिन में 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट करता है, एक दिन में 180, समझ गए आप। द किडनी हैव बिल्ट इन अ मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ गोलमिनार फिल्ट्रेशन रेट, वन सच जो कि एफिशिएंट होता है मैकेनिज्म में, जो कैरी करता है किस चीज़ को, जो जो सॉरी जो सेक्टा जो अरे यार जुक्स्टा JUXTA जुक्स्टा को, ठीक है। गोलमिनार अपैरेटस होता है, शॉर्ट में GA, कैपिटल J कैपिटल GA, आपको ये हमेशा फुल फॉर्म में ही आता है, शॉर्ट फॉर्म में अभी तक तो नहीं पूछा है, पर फिर भी आप याद कर लो, ठीक है, क्योंकि NCERT में लिखा है तो पूछ भी सकते हैं।
जे जी ए इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो अल्टरनेट होता है एट्रियोलर में एट द लोकेशन ऑफ द देयर कॉन्टैक्ट. अ फॉल जी एफ आर कैन एक्टिवेटेड द जी ए सेल्स रिलीज रेन विच कैन स्टिमुलेट द गोलमिनर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जी एफ आर बैक टू नॉर्मल. और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जब ये स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है ना, तो फॉर्म करता है किस चीज़ को, सेलुलर मॉडिफिकेशन करता है. ठीक है, जब सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाता है तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, एफरेंट एरियोट्रोलर एट्रियोलर होता है, जो कि स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है, कॉन्टैक्ट करता है. फिर आता है आपका फॉल इन जी एफ आर इन एक्टिवेटेड होता है. कहाँ पर एक्टिवेटेड होता है? जी एम जे जी में सेल्स को रिलीज करता है रेनियन विच कैन स्टिमुलेट द गोलमिलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जी एफ आर बैक टू नॉर्मल. और ये जो जी एफ आर है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने नॉर्मल सिचुएशन में वापस आ जाता है. अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन करें वॉल्यूम में कि कितना कौन सा फिल्ट्रेट करता है, तो एक दिन में तो 180 लीटर पर डे करता है. ठीक है, विद दैट ऑफ अ यूरिन रिलीज 1.5 लीटर. पर हमारे बॉडी से अप्रॉक्स 1.5 लीटर ही आउट बाहर की तरफ जाता है, बाहर चला जाता है फिल्टर होकर. सजेस्टेड दैट द नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज अ वी रीअब्सॉर्ब. 99% क्या होता है, हमारे बॉडी में ही अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं बाय द रिनाल ट्यूब्यूल. और वो कौन करता है, ये रिनाल ट्यूब्यूल करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन. और इस प्रोसेस को हम रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं. ऑलरेडी हाईलाइटेड है द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इज डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म एथियर बाय एक्टिव और पैसिव. दोनों टाइप के मैकेनिज्म इसमें हो सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि कोई सब्सटेंस है लाइक अमीनो एसिड या सोडियम हो गया, कुछ भी हो सकता है. अगर वो फिल्ट्रेट होता है तो रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिविटी जहाँ पर आप नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या कर सकते हैं, अब्सॉर्ब कर सकते हो पैसिव ट्रांसपोर्ट में. ओके, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली. रीअब्सॉर्प्शन कैसा होता है आपका, पैसिवली होता है इन देयर इनिशियल सेगमेंट में, नेफ्रॉन के अंदर होता है ये. ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तब जो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं ना, सिक्रेट करता है सब्सटेंस को, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया आपका, पोटेशियम हो गया या अमोनिया हो गया, इन सबको अपने बॉडी से क्या करता है, सिक्रेट कर देता है. ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन क्या, जो आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है यूरिन के फॉर्मेशन के लिए. ओके, जो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस, जो कि बॉडी फ्लूइड में होता है. तो आप समझ गए, ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब आता है आपका फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, कि ट्यूब्यूल्स किस टाइप से फंक्शन करते हैं. प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, पीसीटी इज लाइन बाय अ सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर रीअब्सॉर्प्शन एंड नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. प्रोमिक्सल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो होता है आपका, सिंपल एक क्यूबॉइडल है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीज करता है किस चीज़ को, सरफेस एरिया को, जहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन होना है. नियरली देखिए, ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब. 70-80% आपके जो वाटर है क्या करते हैं, इलेक्ट्रोसाइट्स में क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है. दिस सेगमेंट पी सी टी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पी एच एंड आयोनिक बैलेंस होता है बॉडी फ्लूइड में, जो कि सेलेक्टिव सिक्रेशन करता है किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन का. ठीक है, ये फिल्ट्रेट करता है और एब्जॉर्प्शन करता है HCO3 फॉर्म इट. अब होता है आपका हेलन लूप, जो कि आपने पीछे पढ़ा था दोनों, ये वाला और वो वाला. जब हेलन लूप, यहाँ पे जो ब्राउन से दिखाया गया आपका, ये है आपका हेलन लूप. अब यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है. तो जो आपका हेलन लूप होता है ना, वो क्या करता है, रीअब्सॉर्प्शन इन द सेगमेंट इन मिनिमम, रीअब्सॉर्प्शन करता है सेगमेंट को कम से कम.
जहाँ पर आप देखोगे रीजन प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल होता है मेंटेनेंस का, जो हाईली ऑस्मुलेटरी और मेड्यूलरी होता है। जब आप उसको देखोगे इंटरस्टेली फ्लूइड जो होता है वो क्या करता है, डिसेंडिंग लिम्ब को लूप ऑफ हेलन इज परमेबल टू द वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू अ इलेक्ट्रोसाइट। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन। अब वो मूव डाउन हो जाता, कम हो जाता है। द असेंडिंग लिम इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोसाइट एक्टिवली और पैसिवली। ये ट्रांसपोर्ट करता है एक्टिवली पैसिवली दोनों की तरफ। और हम देखेंगे इसके कॉन्ट्रैक्टेड कैसे हैं, जो कि फिल्ट्रेटर होता पास होता है अपवर्ड की तरफ, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं देयर फॉर एज द कॉन्ट्रैक्टेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड इट गेट द ड्यूलेटेड ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रोसाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड। इसका मतलब है कि हेलन लूप में जब एब्जॉर्प्शन होता है ना सेगमेंट का कम, तब ये सिग्निफिकेंट रोल करता है। और जिसके बॉडी फ्लूइड का है वो कहाँ पे जाता है, मेडुलरी इंटरस्टेलियल में फ्लूइड में, जहाँ पर डिसेंडिंग लूप में ये हेलन कैल परमेबल टू वाटर को ऑलमोस्ट इम्परमेबल में इलेक्ट्रोसाइट्स में ये रीऑब्जर्व करता है। और यहाँ पे आप कह सकते हो जो कंसनट्रेट है ना फिल्ट्रेट के मूव डाउन नीचे की तरफ हो जाता है, इसीलिए इसको डिसेंडिंग बोला गया है। नीचे मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ आ गए। अब हम द असेंडिंग लिम्ब ऊपर की तरफ लिम्ब जाता है वो होता है इम्परमेबल टू द वाटर बट अलाउ ट्रांसपोर्ट, पर ये वाटर के ट्रांसपोर्ट को अलाउ करता है इलेक्ट्रोसाइट में एक्टिवली पैसिवली दोनों, जो कि अपवर्ड होता है यानी कि असेंडिंग आप कह सकते हो पैसेज इलेक्ट्रोसाइट्स को। अब आता है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में आप DCT के नाम से जानते हो, कंडीशनल रीऑब्जॉर्प्शन। जब आप रीऑब्जॉर्प्शन होता है तब ये कंडीशनल होता है किस चीज़ का, जिसमें आपका सोडियम होता है वाटर होता है टेक्स प्लेस करता है किस चीज़ को, सेगमेंट को। DCT इज ऑल्सो कैपेबल टू अ रीऑब्जॉर्प्शन, DCT ऑल्सो रीऑब्जॉर्प्शन के लिए कैपेबल है, जिसमें HCO3 को क्या करता है एंड सेलेक्टिवली सिक्रेट करता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन को एंड NH3 को, जो मेंटेन करता है pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। जो ब्लड में आपके जितने भी pH किस चीज़ के सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है ये इम्पोर्टेंट है, इसको जितने भी अंडरलाइन किए उन सबको याद कर लेना, 70-80% रह गया उसको भी आप याद कर लेना, वैसे ही आपको याद ही रहेगा पर फिर भी हम डायग्राम की बात करें, ठीक है। तो डायग्राम में आपको क्या बताया जा रहा है, ये किस चीज़ का है, रीऑब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन मेजर सब्सटेंस का हो रहा है। मेजर मतलब जो इम्पॉर्टेंट हो गए उस सब्सटेंस का, जो कि डिफरेंट पार्ट में होता है नेफ्रॉन के अंदर। एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ मटेरियल का, कि वो मटेरियल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, क्या आप समझ गए। ओके, तो चलो हम लेफ्ट साइड से, सबसे पहले आपको बोला गया कि ये है आपका प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो राइट साइड है वो आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर आप प्रोमिक्सल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को देखो, जहाँ पे आपके लूप बने होते हैं HCO3 है, पीछे आप ये सारे नाम पढ़ चुके हो, NaCl है सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रिएंट्स है हाइड्रोजन है, NH3 है यानी कि अमोनिया है। ये सारे क्या करते हैं, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ जाना, डिसेंडिंग लूप में जाता है हेलन लूप में, और नीचे से फिर यू शेप में वो जाता है वापस ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचाता है। ये जो पाइप होता है ना बहुत ही थिक होता है, थिक का मतलब थोड़े से चौड़े होते हैं सेगमेंट, असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाना। ये यहाँ से जो आपका डिसेंडिंग लाइन था वो बहुत ही थिन था, थिन सेगमेंट है जो कि असेंडिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसमें आपका था सोडियम क्लोराइड, H2O वाटर, HCO3 H और के पोटेशियम हाइड्रोजन, फिर आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ओके, और इन दोनों में यूरिया H2O है। यहाँ पे यूरिया का फॉर्मेशन हो रहा है। कलेक्टिंग डक्ट बेसिकली क्या होता है, इसको भी आप पढ़ ही लो, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द लीनियर पार्ट ऑफ द मेड्यूला। ये जो आपका पार्ट है ना किडनी का, इनर पार्ट है ऑफ मेड्यूला का, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीजन टू प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रैक्टेड यूरिन। दिस सेगमेंट अलाउ
पैसेज ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इन टू अ मेडुलरी। यहाँ पे आपको पता है जो तो कलेक्टिंग ये वाला जो था कलेक्टिंग डक, ये क्या करता है, दिस लॉन्ग ट्यूब्यूल टच करता है कॉर्टेक्स को किडनी के अंदर टू द इनर पार्ट, अंदर पार्ट में मेडुला को जो लार्ज अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब, पानी को बहुत जल्दी ज़्यादा अमाउंट में रीअब्सॉर्ब कर लेता है, रीजन करता है प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रैक्टेड यूरिन और कंसनट्रेटेड यूरिन को इकट्ठा कर लेता है, दिस सेगमेंट अलाउ पैसेज टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया टू इन टू द मेडुलरी टेरिस्टियम टू कीप द ऑस्मुलेटरी, इट ऑल्सो प्ले द रोल इन टू अ मेंटेनेंस ऑफ पी एच, और ये ऑल्सो पी एच लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है ब्लड के पी एच लेवल को, ठीक है, जो कि सेलेक्टिवली सिक्रेशन करता है हाइड्रोजन पोटेशियम आयन का। ओके, मैकेनिज्म ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, जब फिल्ट्रेट होता है उसका स्पेशल मैकेनिज्म क्या है। जब आप देखोगे जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स वो होते हैं जो डायरेक्ट बेबी को पैदा करते हैं, ठीक है, एग देने वाले नहीं आएंगे इसमें, जो मैमल है दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन। आपने सभी एनिमल या फीमेल मेल को देखा होगा यूरिन पास करते हैं, द हेलन लूप्स एंड वासा रिएक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल, और जो आपका जो हेलन है ना वो लूप वो स्पेशल रोल को प्ले करते हैं, दिस फॉलो द फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स, ये टू लिम्स हेलन लूप में क्या करते हैं, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, मतलब या नहीं प्रॉपर ही जाएंगे टू लिम्स के अंदर इन अपोजिट डायरेक्शन जो कि उल्टे साइड होते हैं, पॉजिटिव नहीं अपोजिट सॉरी अपोजिट का मतलब होता है उल्टे साइड, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो अगर एक राइट है तो दूसरा लेफ्ट है तो ये हो गया अपोजिट, ठीक है, उल्टे डायरेक्शन में जाता है एंड द फॉर्म अ काउंटर करंट, और ये काउंटर करंट को फॉर्म करता है द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द इनटू लिम्स जो कि होता है वासा रिएक्टा। ओके, वासा रिएक्टा में चला जाता है, ऑल्सो क्या करता है काउंटर करता है करंट पैटर्न होता है। ओके, अगर हम प्रोमिक्सल की बात करें, प्रोमिक्सल बिटवीन हेलेंस लूप, क्योंकि हम इस वाले में ही देख रहे हैं, तो हेलन स्लूप में जब आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, वासा रिएक्टर मिलेगा एज वेल एज आपको मिलेगा काउंटर करंट इन द दम हेल्प इन मेंटेन इंक्रीजिंग ऑस्मुलेटरी टुवर्ड द इनर मेडुलरी, अंदर की तरफ जो मेडुलरी है उनमें इंक्रीज होगा ऑस्मुलेटरी, ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि तो है 300 mO जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है मोल इन द कॉर्टेक्स, अबाउट 12 mO स्मॉल इन द इनर मेडुला, द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl, और ये जो ग्रेडियंट होता है ना सिर्फ सोडियम क्लोराइड की वजह से फॉर्म होता है, एंड यूरिया जो सोडियम क्लोराइड है ट्रांसपोर्ट करता है असेंडिंग लिब में, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है, हेलन लूप विच इज एक्सचेंज द डिसेंडिंग लिब, जो हेलन है ना वो डिसेंडिंग लूप को थोड़ा सा चेंज कर देता है, और जो सोडियम क्लोराइड है रिटर्न टू द इन मतलब NaCl को वापस भेज देता है कहाँ पर, इंटर सिचुएटेड बाय द असेंडिंग प्रोटीन वासा रिएक्टा के पास। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट में जब आप यूरिया एंटर करता है थिन सेगमेंट में, थिन आपका पतला वाला था ना, आपने पीछे देखा था, यहाँ पे देखो थिन सेगमेंट में असेंडिंग लिम है, दिख नहीं रहा था, ये वाला था जो पतला वाला था, थिन का मतलब होता पतला, पतला सेगमेंट असेंडिंग लिम में ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग मतलब ऊपर, डिसेंडिंग मतलब नीचे, ये क्या करता है सोडियम क्लोराइड रिटर्न कर देता है, जिसको हम इंटर सिचुएशन एंटर टू द सेगमेंट थिन असेंडिंग लिम हेलन लूप विच इज ट्रांसपोर्ट बैक इंटरस्टिमेट, इंटरस्टिम क्या होता है उसके द्वारा जो कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है। ओके, अब हम ऊपर वाले पार्ट के देखें तो डिस्क्राइब करता है कि इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है हेलन लूप का जो कि वासा रिएक्टा होता है, जो होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, दिस मैकेनिज्म हेल्प करता है मेंटेनेंस में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को। इस पूरे डायग्राम को ध्यान से देखो,
ठीक है, आपको ऊपर की सभी बातें समझ आ जाएगी, अगर नहीं आई जिसको। सबसे पहले है एफरेंट एट्रियोल, पीछे आपने डायग्राम में देखा ये ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है जो आपका स्ट्रक्चर बनाता है कॉइल, उसको क्या बोलते हैं, गॉलमिलर्स बोलते हैं। ये ब्लड को फिल्ट्रेट करने में मदद करता है, यानी कि हेल्प करता है। यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन दिखा रहा है कि कितना कितना परसेंट होता है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, नेफ्रॉन की एंड वासा रिएक्टा की, शोइंग द काउंटर करेंट ऑफ मैकेनिज्म। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपके नेफ्रॉन है, ये आपके वासा रिएक्टा है, दोनों अलग अलग कर दिए। ये जो आपका पीछे डायग्राम था ना, ये देखो जो ये डायग्राम था, लाइट पहले आप इतना देखो, ये जो ब्राउन वाला है इसको उठाकर यहाँ कर दिया, और ये कॉइल्ड वाले को देखो जो ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर के उठाकर यहाँ कर दिया। ये नेफ्रॉन है, वासा रिएक्टर जो ये ब्राउन वाला था इसको उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो जो ये डायग्राम यानी कि फिगर है वो क्लियर हो गया, ये कहाँ से आया। अब आपका इनर मेड्यूला होता है नीचे की तरफ, ओके, बी जो ऊपर दिखा रहा वो है आपका आउटर मेड्यूला, ये होता है आपका कॉर्टेक्स। H2O और सोडियम क्लोराइड बाहर की तरफ जा रहा है, ओके। सबसे पहले यहाँ पर जो एफरेंट एरिटोल एट्रियोल है ना, और आपका एफरेंट एट्रियोल जो दोनों हैं वो क्या दिखा रहा है कि 300, 400, 600 ऐसे करके वो इंक्रीज होता जा रहा है, और सोडियम क्लोराइड है बाहर की तरफ आ रहा है, यूरिया भी बाहर की तरफ आ रहा है। बेसिकली आपके इस ऊपर वाले में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये वाला डायग्राम पीछे है तो उस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसका 2-3 लाइन और रह गया, इसको भी आप समझ लो। सारे कुत्ते को अभी भौंकना है। इन द मेडुलरी, जब मेडुलरी की बात हो रही है, ठीक है, तो जो मेडुलरी इंटरस्टियम है ना, वो प्रेजेंस होता है कहाँ पर, इंटरस्टाइलियल ग्रेडियंट में, जो हेल्प करता है किस में, आई पैसेज में टू वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, देयर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, जहाँ पर फिल्टर होता है यूरिन का। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times कंसनट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म। जो ह्यूमन बींग है ना, वो अपने किडनी से प्रोड्यूस कर सकते हैं नियरली कितने, 4 times कंसनट्रेटेड द इनिशियल फिल्ट्रेटेड फॉर्म। रेगुलेशन, 2 topics और रह गए हैं, ध्यान से पढ़ते जाओ, हो जाएगा। बहुत लंबी वीडियो तो नहीं होगी क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं अपनी बुक से आपको करवा दूँगी। जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन होता है ना, वो कैसे होता है, ध्यान से सुनो सब। द फंक्शनिंग होता किस चीज़ का, किडनी का, जो कि एफिशिएंटली मेंशन होता है, रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस JGA एंड द टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू द हार्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है जो फंक्शन होता है किस चीज़ में, फंक्शन ऑफ द किडनी एफिशिएंटली मोनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक। जो ये फंक्शन होता है हार्मोनल के फीडबैक से होता है, जो मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करता है हाइपोथैलेमस में JGA एंड द टू द सर्टेन एक्सटेंट द हार्ट। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाई चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम की वजह से जो ऑस्मो रिएक्टर्स है वो क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बॉडी फ्लूइड के, जो कि वॉल्यूम के आयोनिक कंसनट्रेशन को क्या करता है, कंसनट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो जाता है फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेटेड दिस रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिस हॉर्मोन ADH। इसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ADH का, तो आप यहीं पे समझ लो। जब वो अपने बॉडी से क्या करता है, ऑस्मो रिसेप्टर को जो एक्टिवेटेड होता है, चेंज करता है बॉडी ब्लड वॉल्यूम को, तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम क्या करता है, आयोनिक कंसनट्रेशन एंड एक्सेसिव लॉस करता है फ्लूइड का। बॉडी कैन एक्टिवेट दिस रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स ADH और वैसोप्रिंस होता है उसको फॉर द ADH को क्या करता है फ्रॉम द पानी पी लो फिर मैं बोलती हूँ
ओके, हम फिर से यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ पे एक्सेसिव लॉस हो रहा था किस चीज़ का, फ्लूइड का, फिर था आपका एडिट्यूरियटिक हार्मोन ADH था, वो क्या कर रहा था, वैसो प्रेसिंग फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस का, ADH फैसिलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूलर, ADH दो था फैसिलेट कर रहा था वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द टिब्यूलर, देयर बाय प्रिवेंटिंग डायरीज एंड इंक्रीज बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द ADH रिलीज, और ADH को वो बाहर की तरफ निकाल रहा था कम्प्लीटली फीडबैक। ओके, ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी, जो आपका ADH है वो किडनी को भी अफेक्ट करता है बाय द कॉन्सिक्यूटरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। एडिट्री हार्मोन जो है ना आपका किडनी को कैसे करता है इफेक्ट, ब्लड वेसल्स पे करता है, दिस कॉज एन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जब किसी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तब ये इफेक्ट करता है, एंड इंक्रीज एंड ब्लड प्रेशर द गोलमिनार ब्लड फ्लो एंड देयर बाई GFR होता है, द JGA प्ले अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, अ फॉल इन अ गोलमिनार ब्लड फ्लो, गोलमिनार ब्लड प्रेशर GFR कैन एक्टिवेट द GA सेल्स टू रिलीज रेनिन विच कन्वर्ट, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसोजेन में इंटू अ ब्लड, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर दो कि जो गोलमिनार ब्लड प्रेशर है और या फिर GFR है कैन एक्टिवेटेड होता है GA में सेल्स रिलीज करता है रेनिन को विच, और वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसोजेन में इन ब्लड, ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन जो है वन एंड फर्दर गो एंजियोटेंसिन टू बींग द पावरफुल वैस्को नेस्टेरियर होता है आपका, इसको आप कह सकते हो वास्को कॉन्स्ट्रैक्टर होता है, जो कि इंक्रीज करता है गोलमिनार ब्लड प्रेशर को एंड देयर बाय GFR होता है, एंजियोटेंसिन टू होता है ऑल्सो एक्टिवेट करता है किस चीज़ को, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो रिलीज करता है एल्डोस्ट्रोन को, एल्डोस्ट्रोन कॉज द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर द डायस्टल पार्ट ऑफ द टिब्यूलर, दिस ऑल्सो लीड एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR, दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन जनरली नोन एज रेनिन एंजियोस्ट्रीन मैकेनिज्म, और इसी को हम रेनिन एंजियोस्टेंसिन मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, जो कि एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं आर्ट्रिया के अंदर ऑफ द हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ आर्ट्रिया नेट्रिक फैक्टर ANF कैन कॉज द वैसो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स देयर बाय द डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, ANF मैकेनिज्म देयर बाय एक्ट एज अ चेक ऑन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को करता है, माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करें ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो क्या करते हैं, यूरिन को फॉर्म करते हैं, यूरिन फॉर्म द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड आउट द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड टिल वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम शॉर्ट फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, CNS को कोई मत भूलना, आपने 9th, 10th, 11th, 12th हर जगह पढ़ लिया है ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो याद रखो, न्यूरल सिस्टम को CNS कहते हैं ओके, दिस सिग्नल इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट फिल्ड विद द यूरिन, इट रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड द सिग्नल टू द CNS एंड CNS पासिस ऑन मोटर मैसेज। अच्छा पहले इसको मैं समझा दूँ, यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि यूरिन जब फॉर्म होता है ना नेफ्रॉन के अंदर तो अल्टीमेटली कैरी किस चीज़ में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कैरी होता है, वहाँ पर स्टोर हो जाता है टिल वॉल्यूमेंट्री सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्व सिस्टम, जब तक कि
वो सेंट्रल नर्व सिस्टम को सिग्नल ना मिल जाए. दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. और ये सिग्नल क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है. इट गेट द फिल्ड विद यूरिन. अब वो मैसेज भेजता है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो चुका है, आपके ब्रेन को मैसेज भेजता है. इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू CNS. CNS को मैसेज भेजते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्व को मैसेज भेज देता है ये. ओके, CNS पास करता है मोटर मैसेज. अब CNS आगे ये मैसेज पास करता है, इनिशिएट करता है कॉन्सेंट्रेटेड स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर. स्मूथ मसल्स को ब्लैडर क्या करता है, स्टिमुलेस रिलैक्सेशन करता है यूरेथ्रल में, स्फेनिक्टर में, कॉजिंग द रिलीज. और मैकेनिज्म कॉजिंग इज कॉल्ड माइट्रोन्यूट्रिशन, रिलैक्स कर देता है. ठीक है, एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एवरेज 1 to 1.5 liter ऑफ यूरिन पर डे. ये बात आपको ऑलरेडी पता है और पीछे भी पढ़ चुके हो आप. द यूरिन फॉर्म इज अ लाइट येलो कलर. जो आपका यूरिन होता है वो लाइट येलो या पेल येलो कह सकते हो, उस कलर का होता है. आपके यूरिन में होता है सोडियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप इसको भी याद रख लेना. ठीक है, द यूरिन इज फॉर्म्ड अ स्लाइट येलो कलर वाटर फ्लूइड विच इज अ स्लाइटली एसिडिक. और वो एसिडिक होता है, इसका pH होता है 6.0 एंड हैज अ करेक्टराइज्ड ऑर्डर. ऑन एवरेज 25 to 30 gram ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे. ये आपको ग्राम में बता रहा है, 25 to 30 gram. ठीक है, यूरिया एक्सक्रीट करता है पर डे. वेरियस कंडीशन कैन अफेक्ट द करेक्टरिस्टिक यूरिन. वेरियस क्यों बोला गया है, वेरियस इसलिए मतलब कि किसी भी टाइप में कंडीशन में वो क्या करता है, अफेक्ट करता है करेक्टरिस्टिक को ऑफ यूरिन में. एनालाइज करता है यूरिन हेल्प इन अ क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. जो आपका यूरिन है ना, बहुत सारे डिजीज को भी बता देता है. तो ये क्लिनिक लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लिनिक लाइन में यानी कि जो डॉक्टर लोग हैं कभी कभी यूरिन टेस्ट के लिए मांगते हैं ना, डायग्नोसिस करते हैं, तो आपका इसका भी चेक करते हैं और चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी. और इससे आपके किडनी का मेल फंक्शनिंग हो है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, कि आपके बॉडी में कितना ग्लूकोज है, ग्लाइको सूरिया एंड अ कीटोन बॉडीज कीटोनोरिया इन द यूरिन आर इनएक्टिवेटेड ऑफ अ डायबिटीज ऑफ मिल्टेज. और यूरिन से आपका डायबिटीज जैसे डिजीज का भी पता चल जाता है. ठीक है, तो जब जैसे कि आपके ब्लड चेक होता है ना, ब्लड टेम्परेचर वगैरह, तो वैसे ही आपके यूरिन भी चेक होता है. ओके, आप इसके टेस्ट रिजल्ट को पढ़ सकते हो, या नहीं समझ आएगा तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हो किस लाइन का क्या मीनिंग है, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा. फिर बताया जाता है कि रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन. अदर ऑर्गन का एक्सक्रीशन में क्या रोल है. अदर देन द किडनी, किडनी के अलावा जो हमारा लंग है, लिवर है, स्किन है, ऑल्सो हेल्प करता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट. जो हमारी बॉडी का वेस्ट है ना, तो हमारे हो गए लिवर, हो गए लंग, हो गए स्किन, हो गए, वो सब हेल्प करता है. चल भाई तू कचरा है बाहर निकल बॉडी से, वो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ को नहीं रखता है. जैसे मम्मी पूरे घर का पूरा कचरा बाहर निकाल देते, वैसे हमारा जो घर है पर्सनल, वो भी हमारा बॉडी खुद ही वेस्ट को बाहर निकाल देता है. ठीक है, आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारा बॉडी है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, 18 liter पर डे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकलता है. एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वान्टिटी ऑफ वाटर एवरी डे. और कुछ अमाउंट में जो वाटर है वो भी निकलता है. लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. ये तो डायरेक्ट याद कर लो, ये तो आता ही है या आएगा भी. अगर सबसे लार्जेस्ट बॉडी पार्ट पूछा जाए, ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो वो क्या होता है आपका बॉडी. लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी सिक्रेट करता है बाइल कंडक्टिंग सब्सटेंस को लाइक बिलरुबिन. उसके बाद और किस चीज़ को कंसिस्ट करता है, ब्लडीन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन को, विटामिन एंड अ ड्रग मॉइस्ट ऑफ दिस सब्सटेंस अल्टीमेटली पास आउट द अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट को करता है द स्वेट, यानी कि पसीना. जब आपको पसीना यानी कि वेस्ट वाटर होता है जो हमारे बॉडी से निकल जाता है,
द स्वेट एंड सी सॉरी सीबियोस ग्लैंड इन द स्किन एंड कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रेशन. स्वीट स्वेट प्रोड्यूस द स्वेट ग्लैंड इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड. जैसे आपके यूरिन में सोडियम क्लोराइड होता है, वैसे आपके स्वेट में यानी कि पसीने में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में. यूरिया लैक्टिक एसिड थ्रू द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्वेट इज फैसिलेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस. इट ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन अबव. सेबेश ग्लैंड एलिमिनेट करता है सर्टेन सिक्रेशन को. प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन. प्रोटेक्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि जो ऑलरेडी हमारा बॉडी ऑयल बनाता है वो हमें हार्मफुल चीज़ों से बचाता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्टिव ऑयल कहा गया है जो कवर करता है हमारे स्किन को. किसी के फेस देखोगे आप बहुत ही ज़्यादा ऑयली होते हैं, तो मतलब कि उसका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा ऑयल खुद ही बना लेता है और निकालता है. किसी का ड्राई स्किन होता है, मतलब कि ये प्रोटेक्टिंग ऑयल कम बनता है उसके स्किन पर. किसी का मीडियम होता है, ठीक है, जो स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन जीनस वेस्ट होता है ना कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू. और कुछ अमाउंट में जो आपका सलाइवा है वेस्ट को निकाल कर फेंक देता है. ओके. डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब डिसऑर्डर मतलब कि उसमें क्या डिजीज या प्रॉब्लम हो सकती है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यहाँ पर वो आपको बताया जा रहा है. एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो आप बाहर का कुछ उठा कर पढ़ मत लेना और याद मत करना, क्योंकि और भी सारे होते पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है. जितना मेंशन है आपको उतना ही पढ़ना है. सबसे पहले आता है मेल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड. अगर आपके जो किडनी है उसमें मेल फंक्शन है तो यह आपके बॉडी को क्या कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है यूरिया ब्लड को. अ कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया और उसको हम यूरेमिया के नाम से जानते हैं, विच इज़ हाईली हार्मफुल, बहुत ही डेंजर होता है. मेन लीड टू अ किडनी फेलियर, जो कि किडनी फेलियर कॉज कर देता है इन सच पेशेंट. कुछ पेशेंट में आप देखोगे यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड हेमियोडायलिसिस. कुछ जो पेशेंट होते हैं खुद ही यूरिन पास नहीं कर पाते हैं, तो उसके एक प्रोसेस है जो हेमियोडायलिसिस के नाम से जाना जाता है. इस प्रोसेस से उसके बॉडी से यूरिन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है. ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कॉन्फ्लुएंट आर्टरी इज अ पम्प्ड इनटू अ डायलिसिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी क्लॉगनेंट लाइक अ हेपरिन. द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय अ फ्लूइड डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ अ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजीनस वेस्ट. यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो ब्लड है ना, ब्लड ड्रेन करता है किस चीज़ को. कॉन्वेंशन आर्टरी इज द पम्प्ड इनटू अ डायलिसिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी कोगुलेंट लाइक अ हेपरिन. द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्यूल सराउंडेड बाय अ फ्लूइड. फ्लूइड डायलिसिस करता है हैविंग द सेम कंपोजिशन उसमें होता है दैट ऑफ अ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजीनस फेस. द प्रोसेस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ करता है किस चीज़ को, पासिस ऑफ मॉलिक्यूल बेस ऑन द कंट्री कंसनट्रेशन ऑफ अ ग्रेडियंट एज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट आर अब्सेंट इन द डायलिसिस फ्लूइड. दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट द देयर बॉडी नियरली द ब्लड. द क्लियर द ब्लड इज अ पम्प्ड बैक इन टू बॉडी थ्रू द वेन एडिंग एंटी हेपरिन टू द दिस मेंशन ऑफ बोन ऑफ थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस वाले में आपको बताया जाता है, जैसे कि आपको यहाँ तक पता चल गया है डायलिसिस से क्या करता है, किसी पेशेंट के बॉडी से यूरिन को बाहर निकाला जाता है. फिर आता है ब्लड ड्रेन क्या करता है, फ्रॉम अ कन्वेंट आर्टरी इज द पम्प्ड. जब उसमें डायलिसिस होता है यूनिट आफ्टर एडिंग एंटी कोगुलेंट लाइक अ हेपरिन, जब उनके बॉडी में एंटी कोगुलेंट लाइक हेपरिन को डाला जाता है. द यूनिट ऑफ कंटेन कॉइल्ड सेलोफेन सराउंडेड बाई फ्लूइड. उसके आसपास सराउंड का मतलब होता है आसपास फ्लूइड को क्या करता है, डायलिसिसिंग करता है. हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजीनस वेस्ट. द प्रोस सेलोफेन मेम्ब्रेनस ऑफ द ट्यूब अलाउ करता है किस चीज़ को, पासिस ऑफ मॉलिक्यूल बेस ऑन द
कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पे उसको पास करता है। ग्रेडियंट एंड नाइट्रोजिनस बेस्ड होता है, अब्सेंट होता है इन डाइलेसिन डाइलेसेंस फ्लूइड के अंदर। दिस सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, और ये बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ आ जाता है। तब ये क्या करता है, क्लियरिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की सफाई करता है। द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक, और जो साफ ब्लड होता है पम्प बैक होके थ्रू वेन के द्वारा एंटी हेपरिन में क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दिस मेथड इज बोन फॉर 1000 ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस मेथड से जितने भी इस वर्ल्ड में पेशेंट है से ब्लड को क्लीन करके बॉडी में भेजा जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन, अब आता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि किडनी का ट्रांसप्लांट होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ये आपने सुना भी होगा। अल्टीमेटली मेथड टू करेक्शन ऑफ द एक्यूट रिनाल फेलियर, किडनी फेलियर, अगर किसी का किडनी फेल हो जाए, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसकी किडनी को चेंज कर दिया जाता है। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज टू अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ डोनर सेम ब्लड ग्रुप वाले, जो कि उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा हो, ये चीज़ें आपको पता होगी। और जिसे नहीं पता मैं रिपीट कर देती हूँ, किडनी का जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो रैंडमली किसी के बॉडी से किसी के बॉडी में उठाकर नहीं हम लगाएंगे, सबसे पहले तो आपका ब्लड ग्रुप चेक होगा, उसकी हेल्थ चेक होगी, ठीक है। हेल्थ चेक होने के बाद उसकी सारे डिजीज़ चेक होगी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब पूरा अच्छी तरह से मैच हो जाता है, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, तभी जाके डोनर किसी पेशेंट को वो क्या करेगा, किडनी देगा। ओके, प्रेफरेबली क्लोज अ रिलेटिव, या तो उसके रिलेटिव हो सकते हैं क्योंकि रिलेटिव में आपके काफ़ी मैच हो जाएंगे, टू मिनिमम इट्स चांस टू रिजेक्शन, और बहुत कम चांस है कि वो किडनी रिजेक्ट हो बॉडी से। इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, मॉडर्न क्लिनिकल प्रोड्यूस हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट, आजकल के जो मॉडर्न क्लिनिक है ना उसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत कम चांस है कि वो फेल हो जाए। कंप्लीटेड टेक्निक, उनके पास बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक अब आ चुकी है हमारे पास। रेनाल कैल्यूकल क्या होता है, स्टोन जो होता है ना, स्टोर और इनसोल्यूबल मास होता है, क्रिस्टलाइट सॉल्ट ऑक्सीलेटेड फॉर्म हो जाता है किडनी के अंदर, तो उसको आप सर्जरी से निकलवा सकते हो। फिर होता है आपका गॉलमिलर नेप्थ्रीन की तरफ से होता है, जो इन्फ्लामेशन ऑफ होता है किस चीज़ का, गॉलमिलर ऑफ किडनी का। जो ग्लोमोनेफ्राइटिस होता है ना, इन्फ्लामेशन करता है किस चीज़ का, गॉलमिलर ऑफ किडनी का। तो इस चैप्टर में इतना ही था, देख लो फिगर और इसको अंडरलाइन करना हो तो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। छोटा चैप्टर था, इसका अगला चैप्टर भी बहुत छोटा है, कोई ज़्यादा पीछे चले गए। ओके, यहाँ पे मैं डेट डाल दूँ, आज हो गया आपके 21-24। ओके, तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये तो आपका हो गया कंप्लीट। जिसको डाउट हो वो मुझे भेज देना कमेंट सेक्शन में, या फिर कहाँ भेजोगे आप मुझे, टेलीग्राम पे भेज देना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ेंगे, ये भी छोटा चैप्टर है, इसमें तो सिर्फ चार ही टॉपिक है, लेकिन इसमें से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस समझाऊँगी कि क्या होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने 8 में भी इसको पढ़ रखा होगा, 8, 9, 10, 11, 12, 5 साल किसी ने पढ़ रखा होगा इसको, और इस साल आप फिर पढ़ोगे। किसी किसी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, जिसे नहीं आता वो सीख जाओगे। चलो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर में बाद अपलोड करूँगी, उस वाले में ये चैप्टर आएगा आपका, चैप्टर नंबर 20। नए बुक के हिसाब से देख लेना आपका कौन सा है, चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ओके, 2024 का है ये सिलेबस।